हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 1 में जो फायर एंड आइस पोएम है वो पढ़ेंगे। और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें फायर को डिज़ायर का, इच्छाओं का, और आइस को हेट्रेड का सिंबल माना गया है। एक सिंबॉलिक पोएम है। सो वी स्टार्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा इसके बारे में लोगों में दो मतभेद हैं। एक सम से सब कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि लोग जो दुनिया जो है उसका अंत फायर की वजह से होगा। और फायर यहाँ पर डिज़ायर, इच्छाओं का सिंबल है, यानी कि लोगों में जो अब इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं और उसको पाने के लिए जो एक दूसरे पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, तो वो कारण बनेगा संसार के ख़त्म होने का। सम से इन आइस, और यहाँ पर आइस जो है हेट्रेड, नफरत का सिंबल है। और कुछ लोग कहते हैं कि हेट्रेड के कारण दुनिया ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जहाँ तक मैंने डिज़ायर्स के बारे में जाना है, इच्छाओं के बारे में जाना है, आई होल्ड विद दोज, मैं उनका साइड लूँगा हु फेवर फायर, जो ये मानते हैं कि फायर यानी कि डिज़ायर्स की वजह से दुनिया ख़त्म होगी। क्योंकि उनके हिसाब से, पोएट के हिसाब से, कि जो डिज़ायर है लोगों में हर चीज़ पाने की, और जिसके पाने के लिए लोग एक दूसरे पर मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं, वो संसार के अंत होने का कारण बनेगा। आगे देखिए, बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश होता है डाई, है ना, नीचे दिया भी हुआ है डाई। और आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से that for destruction ice is also great and would suffice. Suffice होता है पर्याप्त, enough। और कहते हैं पोएट कि अगर दुनिया को ये कहा जाए कि दो बार ख़त्म हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर दुनिया दो बार ख़त्म होने का दुनिया को मौका मिले, आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूँ और मैं जानता भी हूँ, इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि लोगों में इतनी नफरत है और कि वो दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए सफाइस होगी, काफ़ी होगी, पर्याप्त होगी, ठीक है। तो यानी कि वो फायर यानी कि डिज़ायर्स और आइस हेट्रेड को दुनिया के अंत होने का कारण मानते हैं, लेकिन वो फेवर जो है डिज़ायर को करते हैं, कहते हैं कि डिज़ायर के कारण दुनिया का अंत होगा। लेकिन अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होने का मौका मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, इसीलिए यहाँ पर पैराडॉक्स फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो आइस जो हेट्रेड है वो भी दुनिया को, इतनी ज़्यादा लोगों में नफरत है कि वो दुनिया को ख़त्म होने के लिए पर्याप्त है। नाउ सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। राइमिंग स्कीम बच्चों होता है कि जब किसी लाइन का एंड में सेम साउंड आ रही होती है दूसरी, जैसे कि अब हम ये कहें कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, अब फायर साउंड किसे मैच कर रही है, देखिए जिसके एंड में हर लाइन के फायर, और थर्ड लाइन में डिज़ायर, और फोर्थ लाइन में फायर, तो फायर डिज़ायर फायर, तो हमने सबको, सबकी सेम साउंड सी आ रही है, तो हमने सबको ए दिया, ये तीनों ए हैं। अब देखिए सेकंड लाइन, सम से इन आइस, अब आइस वर्ड लास्ट वर्ड हमको देखना होता है कि वो किससे मैच कर रहा है इस पोएम में। आइस को हमने बी दिया, अब आइस देखिए दूसरे स्टैंजा की फर्स्ट लाइन ट्वाइस से मैच कर रहा है, आइस ट्वाइस, और फिर थर्ड लाइन सेकेंड स्टैंजा की आइस है, तो आइस ट्वाइस आइस, और लास्ट लाइन सफाइस, ये सब जगह साउंड सेम है, तो हमने सबको बी दिया, ठीक है। अब ये बची सेकंड लाइन, सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन देखिए, हेट है ना, हेट अब मैच कर रही है सेकंड लास्ट लाइन ग्रेट से, तो हेट और ग्रेट, तो हमने ये दोनों को सी सी दिया। तो पोएम का राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए, ए बी सी, बी सी बी। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस। जब बच्चों कोई भी वर्ड सेम वर्ड से दो कंसेक्यूटिव लाइनें स्टार्ट होती हैं, लगातार लाइनें सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। देखिए फर्स्ट लाइन में सम से और सेकंड लाइन में सम से, सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, सम से दोनों में, तो यहाँ पर एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच है। आगे देखिए इसी फर्स्ट लाइन में देखिए लास्ट के शब्द विल एंड इन फायर, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, तो एंड में आई जो वोवेल है वो प्रोमिनेंट है, काफ़ी बार आया है विल में, इन में, फायर में, तो यहाँ पर एसोनेंस होता है। एसोनेंस होता है जब भी वो कोई भी जो हमारे पांच वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, किसी वर्ड की स्टार्टिंग में या फिर बीच में कहीं भी बार बार रिपीटिशन हो उसका,
तो वहाँ पर एसोनेंस होता है, लेकिन वो वॉवल साउंड होने चाहिए, है ना, ए ई आई ओ यू में से होने चाहिए। और ऐसे ही देखिए फोर्थ लाइन में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पर ओ जो हमारा एक वॉवल होता है वो कई बार दिखाई दिया है, होल्ड में, दोज में, हु में, फेवर में, तो यहाँ पर एसोनेंस भी पोएटिक डिवाइस है। आगे देखिए, और इसमें मुझे एक और दिखाई दे रही है, सम से, है ना, सम से में सा साउंड का दो बार रिपीटेशन है, सम में और से में, तो यहाँ पर एलिटरेशन भी है, सम से पहली और दूसरी दोनों लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड से, आई एम रिपीटिंग कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड से जब दो लगातार या किसी लाइन में किसी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन हो लेकिन वर्ड की स्टार्टिंग में, तब वो एलिटरेशन होता है। और एक और देखिए, द फोर्थ लाइन में आई होल्ड विद दोज, विद द साउंड और फिर दोज का द साउंड, तो यहाँ पर जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड, जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं पांच वॉवल को हटा के, 26 अल्फ़ाबेट में से पांच वॉवल को हटा के जो 21 कॉन्सोनेंट बचते बचते हैं, वो कहीं बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस होता है। तो विद और दोज में द साउंड रिपीट हुआ है तो कॉन्सोनेंस होगा। और सेकेंड स्टेंजा में आइए, तो उसमें जो पैरिश ट्वाइस है कि बट If I had to perish twice, पैराडॉक्स कई तरह से देखा जाता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात की जाए कि जो इम्पॉसिबल है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया अगर दो बार ख़त्म हो, सबको मालूम है कि इम्पॉसिबल थिंग है, जब ऐसी किसी बात बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर पैराडॉक्स होता है। तो यहाँ पर, और पैराडॉक्स कई तरह से और देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब किसी इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में बात की जाए तो वहाँ भी पैराडॉक्स होता है, तो यहाँ पर पैराडॉक्स है। एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट लाइन के बाद देखिए कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, जब कोई लाइन किसी लाइन पे ख़त्म हो रही हो, वहाँ उसके बाद कोई भी पंचुएशन मार्क ना हो, ना डैश, ना हाइफन, ना कॉमा, सेमी कॉलन, कुछ फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं, और लाइन सेकंड या थर्ड लाइन में मूव कर जाए तो वहाँ पर इंजैबमेंट होता है। तो फर्स्ट लाइन में फायर के बाद कुछ नहीं है, और ऐसे ही सेकेंड स्टैंजा में देखिए हेट, आइस, ग्रेट, किसके बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ सब इंजैबमेंट है। सो दिस इज़ अबाउट द पोएम फायर एंड आइस। I have uploaded question answers of this poem on the same channel, Nautiyal's Ma'am English English. So work hard, practice it. Thank you.